राकेश जी नहीं, हमारे 128 विधायक थे और एक विधायक और भी हुए, 129 का हमने बहुमत हासिल किया है। कुछ नहीं हमने किया है। जिन लोगों ने कहा था कि बिहार में खेला हो बे, उनको खेला कैसे किया जाता है ये केवल दिखा दिया। मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग खेला खेलना चाहते थे उनको खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने खिलौना देखने। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय। क्या लग रहा है, अब आप लोग बहुमत साबित कर लिए हैं, लेकिन आप लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग अटैची वाला काम किए हैं। कोई अटैची नहीं, हमारे 128 विधायक थे और एक विधायक और भी हुए, 129 का हमने बहुमत हासिल किया है। हमने कोई अटैची का काम नहीं, उन्होंने अटैची का काम कर रखा था जो उन्होंने कह रहा था कि मैं खेला करूंगा, और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि खेला अब उनके परिवार में चालू हो गया, आगे आप देखते रहिए। लेकिन आगे उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किए हैं और ये इसका परिणाम अच्छा। हम लोग किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, जो तोड़ने चलता है वो खुद टूट जाता है। क्या अब आगे लग रहा है कि एनडीए की सरकार के लिए अब तो कोई चुनौती बिहार में नहीं दिख रही है? बिहार में, देश में कहीं चुनौती नहीं है, क्लीन स्वीप है, और हम सब लोग जो छूटे हुए काम है उसको बड़ी मुस्तैदी से पूरा करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए जो है आरजेडी मुश्किल बन करके आ रही है? नहीं, आरजेडी कोई पहली बार आई है, अभी जन्म लिया आरजेडी का। आरजेडी पहले से है और पहले से हम जीतते आ रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। राजद भी अब स्वीकार कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने जो लिया वो हमसे गलती हुई है। जब आम खाने को नहीं मिला तो खट्टा कहने लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। कुछ नहीं हमने किया है। जिन लोगों ने कहा था कि बिहार में खेला हो बे, उनको खेला कैसे किया जाता है ये केवल दिखा दिया है। अब आगे क्या लग रहा है, आरजेडी के बारे में कहा, अब आप लोगों ने मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मंत्री थे अब उन पर कार्रवाई होगी, आरजेडी के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है, जांच होगी कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। अब आगे आप लोगों के लिए क्या चुनौती दिख रही है सर? मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग खेला खेलना चाहते थे उनको खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने खिलौना दिया है। अब भाई बहन जो मिलकर करप्शन कर रहे थे, जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार में डूबा था, आज वो पूरा परिवार एक्सपोज हुआ है, और पैसे के बल पर जो विधायकों को प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं वही विधायक जवाब दिए। कुछ विधायक जो थे, तीन विधायक बीजेपी के अंतिम समय में पहुंचे, क्या मामला? बस समय पे आ गए, और मेरा ये मानना जो दबाव बनाने का काम किया था जनता ने उनको जवाब दिया। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अटैची का प्रयोग करके हमारे विधायकों को जो है इन लोगों ने अपने, अरे भैया जो बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करके रखे थे उनसे पूछिए, ये अटैची और ब्रीफकेस उन लोगों के चलाने की आदत है, हमारी परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई करने की बात कही है। निश्चित रूप से जो लोगों ने भ्रष्टाचार का प्रयास किया है, हाउस ट्रेडिंग करने का प्रयास किया है, उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के विधायक जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग भी मंत्री पद को संभाला, लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी कोटे से जो मंत्री बने थे और इन लोगों की जो मनमानी थी, मुख्यमंत्री ने उस तमाम चीजों को देखते हुए जो है कार्रवाई करने की बात कही है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।